आशीष नेहरा ने चुनी वर्ल्ड कप 11 पांच भारतीय खिलाड़ी को किया शामिल, इन्हें बनाया कप्तान। नमस्कार, भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 को मद्देनजर रखते हुए अपनी वर्ल्ड कप 11 को चुनाव किया है। नेहरा ने क्रिक बुज शो में बात करते हुए अपनी वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 का चुनाव किया। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आशीष नेहरा ने किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। बल्लेबाजी क्रम, आशीष नेहरा ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को टीम में शामिल किया है। वहीं नंबर 3 पर भारतीय कप्तान विराट कोहली को, नंबर 4 पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को टीम में जगह दी है। ऑलराउंडर खिलाड़ी, आशीष नेहरा ने ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब उल हसन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को टीम में शामिल किया है। ये दोनों खिलाड़ियों का मौजूदा वर्ल्ड कप में काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। कप्तान और विकेट कीपर, आशीष नेहरा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के उप कप्तान और भारतीय टीम के 2 बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में जगह दी है। इसके अलावा उन्होंने धोनी को अपनी टीम का कप्तान बनाया है। गेंदबाजी क्रम में नेहरा जी ने भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज युजविंदर चहल, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जुरोफा आर्चर, भारतीय टीम के और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक को टीम में शामिल किया है। आशीष नेहरा की वर्ल्ड कप 11 रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, केन विलियमसन, शाकिब उल हसन, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, विकेट कीपर बेन स्टोक्स, युजविंदर चहल, जुरोफा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टॉक। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।